हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स ऑन ट्यूब। मैं हूं प्रियंको, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। और आज मैं 2017 का यूट्यूब का जो नया एल्गोरिथम है, यूट्यूब अभी मेटा डेटा जो है वीडियो का, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप सही तरीके से यूट्यूब का जो वीडियो का जो मेटा डेटा होते हैं, तो वो अगर सही तरीके से आप नहीं सेट करते हैं, तो आपका वीडियो का रैंकिंग नहीं होगा और आपका वीडियो में प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप इवन आप कॉपीराइट स्ट्राइक भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो में आपका मेटा डेटा कैसे वहाँ पे सेट करना है, कैसे वहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, इसके बारे में मैं आज आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत टिप दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो मेटा डेटा जो है, वीडियो मेटा डेटा का तीन सेक्शन होते हैं। एक है टाइटल सेक्शन, दूसरा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन और थर्ड है टैग सेक्शन। तो ये तीनों को एक साथ मैनिपुलेट करना बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बहुत ही इजी इस प्रोसेस है, क्योंकि इसको करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सभी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ आपको सही तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरा कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर में जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। पहला टिप्स है टाइटल। टाइटल आपको कैसे सेट करना है, ठीक है, एक कंप्लीटिंग टाइटल आपको सेट करना है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पहला जो चीज़ है वो है आपका कंटेंट का जो पार्ट है, ठीक है, उसको सही तरीके से आपको देना है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मेरा यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, वेडिंग वीडियो, ठीक है। पहला चीज़ है, जब भी आप अपलोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक फाइल में जब भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वो उस टाइम पे वो फाइल का नेम यहाँ पे चला रहा है टाइटल पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा तरह नेम अगर रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहला जो टिप्स है, यहाँ पे आपका कंटेंट का जो सेक्शन है, एक्चुअली कंटेंट आपको जैसा कंटेंट है आपका, वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, एकदम हिट टू द पॉइंट। मतलब आपका कंटेंट यहाँ पे, मेरा जो वीडियो है वो है फ़नी वीडियो और ये वेडिंग का एक फ़नी वीडियो है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे टाइप करना है फ़नी वेडिंग वीडियो, ठीक है। और उसके बाद आप जो उसके अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांडिंग कुछ नेम डालेंगे, ब्रांडिंग नेम, ठीक है, तो मतलब और कुछ अदर कीवर्ड्स आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और कुछ भी नंबर्स आप डालना चाहते हैं, एपिसोड नंबर जैसे, ठीक है, और सीरियल ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट का अगर कोई भी सीरियल नंबर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके बाद डाल सकते हैं। लेकिन पहला है आपका मेन कीवर्ड जो है वो आप यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि SEO का फंडा ही है, जो एक सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला जो हिस्सा है वही पहला सर्च होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो फ़नी वेडिंग वीडियो है, इसीलिए तीन यहाँ पे कीवर्ड है, फ़नी कीवर्ड, वेडिंग कीवर्ड और वीडियो कीवर्ड। तो तीन कीवर्ड यहाँ पे पहला डाल दिया, उसके बाद आप कुछ भी चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेडिंग वीडियो एक दूसरा कीवर्ड है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको टाइटल करना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे जब भी आप पहले अपलोड करेंगे तो आपका फाइल का जो नेम होगा वही नेम यहाँ पे चला जाते हैं, जैसा मेरा पहला हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले ही ये जो टाइटल आप देने वाले हैं वही टाइटल को आपको पहला जो आपका जो फाइल है वहाँ पे जाके पहले रीनेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रीनेम करके उसको पहले यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद इसको अपलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चला आया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना है उसके बाद यहाँ पे चेंजेस कीजिए। तो ऐसे करके अगर आप ऐसे कीवर्ड डालते हैं जो मेन कीवर्ड है आपका कंटेंट का रिलेटेड, तो आपका जो वीडियो है बहुत ही पहले आपका सर्च इंजन में आएगा और आपका वीडियो रैंकिंग होगा, ठीक है। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगा टाइटल के बारे में, जो है आपका वीडियो जो टाइटल है, जितना सारा आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो वहाँ पे जैसे आपने ऑलरेडी टाइटल सेट कर दिया है ऑलरेडी पहले से, तो आपका वीडियो जो वीडियो आपका रैंकिंग नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेंडिंग में सर्च कीजिए कि कौन सा वीडियो अभी चल रहा है, मतलब आपका वीडियो रिलेटेड वीडियो कौन सा, मतलब कौन सा टाइटल, कौन सा टेक्स्ट टाइप करके यूज़र टाइप कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं आपका वीडियो को, ठीक है। जैसे कि देखिए जो फ़नी एनिमल वीडियो मेरा जो है कंपाइलेशन, ठीक है, तो मैं इसको अगर फ़नी एनिमल वीडियोज़, ठीक है, देखिए फ़नी एनिमल वीडियोज़, फ़नी एनिमल डांस,
ऐसा बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे देखिए, फनी एनिमल्स, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये जो फनी एनिमल्स कंपाइलेशन जो है इसको चेंजेस करके, इसको एडिट करके, यहाँ पे जो एडिट बटन है यहाँ पे एडिट करके फनी एनिमल्स वीडियो मेरे को देना है। तो फिर क्या होगा, अगर इसको डाल देता हूँ मैं पहले, तो अब मेरा वीडियो रैंकिंग होगा और मेरा वीडियो पहले आएगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपका कंटेंट का रिलेटेड, मतलब आपका वीडियो जो जिसके बारे में है, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखना है आपको। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फनी वीडियो, फनी एनिमल वीडियोज़, मैं यहाँ पे टाइप करके जब भी मैं इंटर मारता हूँ, देखिए पहले ही यहाँ पे देखिए फनी एनिमल वीडियोज़, ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियोस, यहाँ पे देखिए एनिमल वीडियोस, और उसके बाद एनिमल्स, ये देखिए ये बोल्ड आकर आ रहा है, देखिए मतलब यही कीवर्ड सर्च करके इस वीडियो को वो रैंकिंग में ला रहा है यूट्यूब, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन का पहला जो टू लाइन्स है वही यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं और ऐसे हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहला जो डिस्क्रिप्शन का जो दो लाइन है उसको बहुत ही मतलब ध्यान देके आपको बनाना है। जो कीवर्ड, मेन कीवर्ड है उसको पहले ही आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का जो पहला लेटर है, पहला वर्ड है, वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप पूरा का पूरा जो वीडियो का कॉन्टेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले स्टेप बाई स्टेप लिखिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो चैनल है, चैनल का बहुत सारा लिंक है, आपका बैक लिंक्स है, तो बैक लिंक्स जितना है वहाँ वो सब यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए फनी वेडिंग वीडियो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपका मेन कीवर्ड है फनी वेडिंग वीडियो, तो आपको फनी वेडिंग वीडियो आपका पहला डिस्क्रिप्शन का जो दो लाइन है वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका वीडियो सर्चिंग होते हैं कुछ दूसरा कीवर्ड के हिसाब से, तो वो कीवर्ड अगर आपका पहला जो दो डिस्क्रिप्शन लाइन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर, तो वहाँ पे अगर नहीं मिलते हैं तो YouTube आपका वीडियो को सर्च करके ऊपर नहीं लाएगा, ठीक है। तो आपका व्यूअर्स को आपका वीडियो नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहला जो दो लाइन है आपको बहुत सोच समझ के डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो जितना सारा आपका बैक लिंक है, ठीक है, जैसे कि आपका सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बाद आपका जो दूसरा वीडियो, दूसरा कुछ एपिसोड या दूसरा कुछ वीडियो का जो लिंक है उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके, और आपका जितना सारा सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क चैनल है, सोशल नेटवर्क पेज है, फैन पेज है फेसबुक का, तो वो सब लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका वेबसाइट का पेज का जो लिंक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे 5000 कीवर्ड आप डाल सकते हैं, 5000 वर्ड आप डाल सकते हैं आपका डिस्क्रिप्शन में, मतलब सोचिए कि बहुत सारा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे ब्लैंक मत छोड़िए कि दो लाइन लिख के आप छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा एक ब्लॉक, जैसे ब्लॉक का जो आर्टिकल होते हैं जैसे वहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका डिस्क्रिप्शन फुल आप फिल करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका कंटेंट का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप डालेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा रैंक होगा, ठीक। और उसके बाद आता हूँ मैं टैग सेक्शन में। टैग सेक्शन में क्या है, टैग्स दो तरीका के होते हैं, एक है जनरल टैग और दूसरा है स्पेसिफिक टैग। स्पेसिफिक टैग मतलब आपका एकदम जो पर्टिकुलर टैग है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आपका वीडियो है, जैसे कि मेरा वीडियो है फनी वेडिंग वीडियो, ठीक है, तो ये मेरा टैग है, जैसे कि फनी एक टैग है सोच लिए, तो फनी टैग मेरे को पहले ही डालना है यहाँ पे। और ये आप डाल सकते हैं फनी वेडिंग वीडियो, ऐसे ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फनी एक टैग है, वेडिंग एक टैग है, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे, ये है आपका स्पेसिफिक टैग, ठीक है। और उसके बाद फनी वेडिंग वीडियो, ये है जनरल टैग, मतलब डिस्क्रिप्टिव टैग। डिस्क्रिप्टिव टैग मतलब हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्टर, हाउ टू क्रिएट माय मोबाइल फोन केस, ठीक है, ये है डिस्क्रिप्टिव टैग, ठीक है। और आपका जैसे कि आप जब स्पेसिफिक टैग लिखेंगे तो स्पेसिफिक टैग को आपको पहले लिखना पड़ेगा, और आपका जो मेन कीवर्ड है वो पहला यहाँ पे मेंशन कीजिए टैग के अंदर। तो मेरा यहाँ पे जैसे कि मेरा एक फनी है और उसके बाद है वेडिंग, ठीक है, उसके बाद मैं डाल सकता हूँ जैसे कि, जैसे आप वीडियो से भी लेके आप यहाँ पे, मतलब वीडियो का जो टाइटल सेक्शन है वहाँ से भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फनी वेडिंग वीडियो। और उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हैं कि
वेडिंग वीडियो, तो ये सब है आपका डिस्क्रिप्टिव टैग। तो अगर आप पहले स्पेसिफिक टैग डालते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टैग डालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा, मतलब YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से आपका वीडियो बहुत अच्छा रैंक करेगा और यूज़र जो है यूज़र्स आपका वीडियो को बहुत ही जल्दी आपको ढूंढ पाएगा और आपका वीडियो को देख पाएगा, ठीक है। क्योंकि YouTube में जब भी आप मेटा डेटा फूड करते हैं उसका मेन मकसद होते हैं आपका वीडियो को सर्चिंग में लाना और आपका वीडियो को ढूंढ पाना बाई द व्यूअर, ठीक है। तो अगर व्यूअर्स आपका वीडियो को नहीं ढूंढ पाएगा तो आपका वीडियो अपलोड करने का कोई भी मायने नहीं है। और मैं कहता हूँ और एक चीज़, यहाँ पे देखिए जो आपका वीडियो का टाइटल है, मेन टाइटल, ठीक है, उसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे राइट सेक्शन में जो सेक्शन है यहाँ पे ऐड ए मैसेज टू योर वीडियो, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे आपका जो सब्सक्राइबर्स है उसका पास जब भी मिल जाएगा तो ये यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे चला जाएगा आपका, उसके वहाँ पे शो करेगा नोटिफिकेशन की जगह पे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे एक दो लाइन में बहुत ही अच्छी तरह आपका वीडियो के बारे में लिखिए, यहाँ पे इस वीडियो में उस यूज़र्स को और जो व्यूअर्स होगा उसको क्या मिलेगा वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखिए। और एट द एंड में मैं कहना चाहूँगा जो थंबनेल के बारे में, यहाँ पे कस्टम थंबनेल यूज़ कीजिए। अगर आपको कस्टम थंबनेल कैसे बनाना है और कस्टम थंबनेल का अगर बहुत ज़्यादा और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा कमेंट्स बॉक्स है नीचे, वहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में आप कस्टम थंबनेल के ऊपर एक वीडियो बनाने का, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इसको आपका फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें से। और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और फिर से आपका साथ नेक्स्ट वीडियो में आपका साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय।